उस तो बाद जो है बहुत मंदभागा आया, उसके नाल नाल बंदे फड़े भी गए, उन्हां ते कार्रवाई भी हो रही है। मैं कहना सख्त तो सख्त होनी चाहिए आ। चार पांच या छे जने सीगे गड्डी च, अंदरों वध फड़ के लियांदे, सारे फड़ ले गए। कोई गल नहीं भी उन्हां दे नाल साजिश का हिस्सा होणगे, अंदरों हमला करन दी तैयारी के उहदे विच इक बीबी नूं क्यों फड़िया गया, जां ते उहनूं 120 बीच रख्या होगा भी इह वी नाल शामिल सी। मैं पुछना चाहुंदा कि साडा जिहड़ा मर्द प्रधान देश है, इत्थे कदी कोई बीबियां दी सुणदा, जां उहने किते सुणी होगी बीबी ने जे कह भी दित्ता होवे बाहर बाहर जाके सरेंडर कर दो, उहनूं साजिश जिहड़ा रख्या गया उह नहीं चाहीदा सीगा। मैं भी दसणा चाहुंदा कि जिहड़ा तर्क दित्ता गया उह ठीक नहीं हैगा। पुलिस फोर्स एक डिसिप्लिनड फोर्स है और वह ड्यूटी तो भज नहीं सकती। जे वह ड्यूटी तो भजन की कोशिश करते, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिती होंगी तो उन्होंने लाने की बजाय पुलिस कमिश्नर उन्होंने उत्ते कार्रवाई करनी चाहिए सी। मेरे पांच चार सवाल ने ते फिर कई बार सत्ताधारी इन्हां ना माड़ा बोल देंगे, गंदियां गालां कढ देंगे, उदो पुलिस बगावत क्यों नहीं करती, जो उन्होंने छड़ के क्यों नहीं आती। कई बार सुखबीर बादल स्टेज के उत्तों शरेआम धमकियां ला देंगे और माड़ा चंगा बोल देंगे भी मेरा समा आऊ, मैं पुठे टंग दू, ये कर दू, वो कर दूंगा, उदो उन्हां दी सुरक्षा छड़ के पुलिस क्यों नहीं आती। परसों जिहड़ा पटियाले झगड़ा होया सीगा उहदे बारे बड़ियां विचारां चलदियां रहियां कि शुरुआत कित्थों होई, इह सारा कुछ विचारिया जावे। अज फिर फेसबुक दे उत्ते व्हाट्सएप दे उत्ते एक वीडियो बड़ी वायरल होई जिहदे विच उह निहंग सिंह शुरुआती दौर च ही पुलिस वालियां नूं गंदियां गालां कढ़णियां शुरू हो गया, उस तों बाद जो होया बहुत मंदभागा होया, उहदे नाल नाल बंदे फड़े भी गए, उन्हां ते कार्रवाई भी हो रही आ। मैं कहना सख्त तो सख्त होनी चाहीदी आ। चार पांच जां छे जणे सीगे गड्डी च, अंदरों वध फड़ के लियांदे, सारे फड़ ले गए। कोई गल नहीं भी उन्हां दे नाल साजिश का हिस्सा होणगे, अंदरों हमला करन दी तैयारी च होणगे, पर मेरी एक बेनती है और मेरे अपने विचार ने कि उहदे विच इक बीबी नूं क्यों फड़िया गया, जां ते उहनूं 120 बीच रख्या होगा भी इह वी नाल शामिल सी। मैं पुछना चाहुंदा कि साडा जिहड़ा मर्द प्रधान देश है, इत्थे कदी कोई बीबियां दी सुणदा, जां उहने किते सुणी होगी बीबी ने जे कह भी दित्ता होवे बाहर बाहर जाके सरेंडर कर दो, उहनूं साजिश जिहड़ा रख्या गया वो नहीं चाहिदा सीगा। इहदे संबंध दे विच मैं आईजी पटियाला रेंज सार जतिंदर सिंह औलख उन्हां नाल मैं गल कीती, साडे इत्थे अमृतसर कमिश्नर रहे ने, मैं फोन दे उत्ते उन्हां नाल गल कीती कि बीबी दा साडे सुनन च आ रिहा और वेखण च आ रिहा ये बहुत मंदभागा, जे हो सकदा ते ओह बीबी नूं रिहा कीता जावे। उन्हां ने मैनूं पूर्ण तौर दे उत्ते भरोसा दिता कि उस बीबी नूं छेती ही जिहड़ा ओह रिहा कर दिता जाऊगा। दूजे पासे आ बैंस दे जिहड़े गनमैन वापस लै ले गए, तरके दिता गया कि वह बैंस ना रहना ही नहीं चाहते। मैं कहा सीगा कि बैंस नू जे पंजाब पुलिस दे उत्ते भरोसा ही नहीं तो अपने गनमैन वो आप छड़ देवे। इहदे नाल नाल मैं भी दसना चाहुंदा कि जिहड़ा तर्क दिता गया वह ठीक नहीं हैगा। पुलिस फोर्स एक डिसिप्लिनड फोर्स है और वह ड्यूटी तो भज नहीं सकती। जे वह ड्यूटी तो भजन की कोशिश करते, जां उन्होंने ये स्टेटमेंट दिती होंगी तो उन्होंने उहदे नालों लाने की बजाय पुलिस कमिश्नर उन्होंने उत्ते कार्रवाई करनी चाहिए सी। जे पुलिस ने बगावत करनी हो, मेरे पांच चार सवाल ने ते फिर कई बार सत्ताधारी इन्हां ना माड़ा बोल देंगे, गंदियां गालां कढ़ देंगे, उदों पुलिस बगावत क्यों नहीं करती, जो उन्होंने छड़ के क्यों नहीं आती। कई बार सुखबीर बादल स्टेज के उत्तों शरेआम धमकियां ला देंगे और माड़ा चंगा बोल देंगे भी मेरा समा आऊ, मैं पुठे टंग दू, ये कर दू, वो कर दूंगा, उदों उन्हां दी सुरक्षा छड़ के पुलिस क्यों नहीं आती। इहो जे हालातों के विच अज दे जिहड़े हालात आ, पुलिस नूं 15-15 दिन तनखाह लेट हो गई आ, उन्हें अपना काम नहीं छड्डिया। मैं फिर दसन दिया कि पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स आ, वो अपने तौर दे उत्ते कोई फैसला नहीं लै सकते। आ पिछे जे 3-4 दिन पहले एक DSP नूं करोना हो गया, उहदे कोल किट तक नहीं सी हैगी। ये समझदे होए भी सानू भी बिना किट तो, मास्क तो, ग्लव्स तो, सैनिटाइजर तो सानू भी हो सकता। पुलिस अफसर फिर भी ड्यूटी कर रहे आ, मुलाजम फिर भी ड्यूटी कर रहे आ, अजे तक तो उन्हें किसी के खिलाफ बगावत नहीं की। अज कैप्टन अमरिंदर सिंह होणा ने कहा कि पुलिस नूं किटां मुहैया कराइया जाणगियां, ते मैं पहले दिन तो रोंदा सीगा कि जिहड़े बंदे फील्ड च है, चाहे वह सफाई वर्कर है, चाहे वह हैल्थ वर्कर है, चाहे वह पुलिस है, उन्हां नूं जरूरी जिहड़ा समान मुहैया कराया जाए। 15 दिन तनखाह लेट हुई, घरों पैसे लिया लिया के पुलिस गुजारा कर रही, उदों तो उन्हें बगावत नहीं की। मेरा ख्याल कल इन्हों की तनखाह पई आ। जिहड़े पुलिस वालों के जानो तक परिवार के कई ने मैंबर मारे होंगे, पुलिस तो उन्होंने भी सुरक्षा मुहैया कराती, जो जेल चो लैके आँगी कोई मार थोड़ी दिंदी उन्होंने।
पुलिस बगावत नहीं कर सकती। मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह होना नू ते डीजीपी पंजाब नू अपील करदा कि जे कोई गलत होवे ते अगो आप गलत ना होवो। पुलिस दा जिहड़ा अक्स आ बड़ी मुश्किल नाल साफ हो रहा और उन्हूं रहण दिता जावे और फराख दिली विखाओ उस बीबी नू रिहा करो। इहदे नाल नाल मैं जथेबंदियां नू भी अपील करदा कि जिन्नियां धार्मिक जथेबंदियां मैं इन्ने जोगा ते नहीं कि तुहानूं समझा सकां जां तुहानूं कोई सलाह दे सकां, पर लीडर वाले गुण ना अपनाओ कि जदों कोई बंदा फड़िया गया माड़े चंगे काम दे विच ते साडे अरगे कह दिंदे ते मेरा वर्कर ही नहीं सी, ये मेरे नाल काम ही नहीं करदा रहा, मैं इहनूं जाणदा ही नहीं, उहनूं तुसीं कहता नकली सिख आ। ये कहो जो उन्हें किया माड़ा किया उन्हें सख्त तो सख्त सजा मिलनी चाहिए है। वो इस किते काम के भाईवाल नहीं है, सिखा नकली तो असली ना बनाओ। ये मेरी अपील है तुहानू। ये मैं सार सिमरजीत सिंह बैंस नू भी एक अपील करदा कि जे कोई तुहाडे ते भरोसा करता, जे कोई तुहाडे नाल दिल दीआं गल्लां कर लैंदा है ते गल करन वाले दा भरोसा कायम रख्या करो, उहदीआं रिकॉर्डिंगां ना लीक करिया करो। वह बंदे उत्थे जाके उन्हें कह दिता कि साडे कोल जबरदस्ती लिखाया, वह तुसीं उहदे विच बोल दिता ते वीडियो लीक कर दिती, आडियो उहनां दी उत्थे दोवें पासिओं मर गए, तुहाडे वल्लों वी ते उधरों वी। उन्हां नूं मैं कहना चाहुंदा वह तुहाडे नाल ड्यूटी करदे रहिंदे, उह तुहानूं कहिंदे कि बैंस साहब तुहाडी जिहड़ी मनोवृत्ति आ पुलिस दे संबंधी ठीक नहीं हैगी, पर असीं फिर भी तुहाडे नाल खड़े आ, तुहाडी राखी करन लई बैठे आ, सो माड़ा चंगा ना बोलिया करो, असीं वी ते उहनां पुलिस वालिआं दे विच्चों ही आ। सो मेरी बैंस साहब तुसीं दो वारी इलैक्शन जितते हो, वड्डे मार्जन ते जितते हो, लोग तुहाडे ते भरोसा करदे ने, जिहड़े लोग तुहाडे ते भरोसा करदे उहनां दा भरोसा कायम रखो। अखीर च मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह होणां नूं मुड़ बेनती करदा कि वह बीबी नूं रिहा किया जाए ते बैंस की सुरक्षा जिहड़ी उह दुबारा उहनूं वापस दित्ती जाए। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਵਿਖਾਓ। ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ।